हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइव बूस्टर चैनल। दोस्तों, जो लाइव बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो हरियाणा में रहकर हरियाणा परिवार पहचान पत्र ऑनलाइन बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इसके साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, पहचान पत्र बनवाने के लिए जो लिंक है जिसका वेबसाइट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 25 जुलाई 2019 गुरुवार को राज्य के नागरिकों के लिए परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार की यह सरकारी योजना अब देश में रहने वाले परिवारों को अलग से यूनिक पहचान देने का काम करेगी। हरियाणा पहचान परिवार पहचान पत्र योजना के लिए शुरू किए गए पोर्टल में नागरिक को सभी जानकारियां भरनी होगी और उससे उसको जो है पहचान पत्र मिल जाएगा। तो दोस्तों, हरियाणा परिवार पहचान पत्र में परिवार के किसी भी नए सदस्य के जुड़ने या जन्म होने पर उसका नाम जोड़ दिया जाएगा, और लड़की की शादी जब हो जाएगी दूसरी जगह तो उसका नाम काट दिया जाएगा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए परिवार के मुखिया को अटल सेवा केंद्र पर अपने हस्ताक्षर के साथ अपने परिवार का पूरा विवरण जमा कराना होगा, जिसके बाद हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन प्रॉपर जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और सेशन होने के बाद जो है उसकी पूरी डिटेल जब अपडेट हो जाएगी तो उसके बाद जब तक पहचान पत्र बन जाएगा तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है आप हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके क्या क्या लाभ होंगे और इसका परिवार पहचान पत्र बनवाने का क्या फायदा है? तो दोस्तों, इससे सबसे पहला फायदा यह है कि परिवार पहचान पत्र बनने के बाद जन्मतिथि ना होने के कारण बहुत से बुजुर्गों को पेंशन बनवाने में मदद मिलेगी। तो जैसे उनको पहले पेंशन नहीं मिलती थी, अब उनको पेंशन इससे मिलने में आसानी होगी। आधार कार्ड की तरह ही पूरे परिवार की पहचान भी अलग से डेटाबेस में सुरक्षित होगी, जिससे परिवार के मुखिया का नाम सबसे ऊपर होगा। यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु तक पहुंचता है तो उसे जानकारी होनी चाहिए कि वह अब हरियाणा में विधवा पेंशन योग्य है या नहीं है। तो दोस्तों, जन्म के बाद इसमें परिवार के सदस्य का नाम शामिल किया जाएगा, जब लड़की की शादी हो जाएगी तो उसका नाम काट दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका मुख्य मकसद जो है हरियाणा में जो बहुत सी स्कीमें चल रही हैं, उस परिवार पहचान पत्र दिखाकर आप उसका जो है लाभ ले सकते हैं। उसके लिए और डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं होगी, ये डॉक्यूमेंट उसके लिए सफिशियंट होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो आप ये परिवार पहचान पत्र बनवाना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इसके साथ बेल आइकन द्वारा मत भूलिए ताकि जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले।